राधे राधे, सिलाड़ी लाल बिजते तराम। बोली राधा रानी की जय, विस्महान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जी की महल से आपका दिन मंगलमय हो और आप पर श्री राधा रानी की खूब कृपा बरसती रहे। अभी हम एक बार संपूर्ण महल का दर्शन करा देते हैं और उसके बाद हम आपको दीपावली की शुरुआत श्री जी की चौखट से हाजिरी लगाकर इत्र की सेवा करके हम अपने शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। और आज जो भी भक्त श्री जी की चौखट पर अपने भाव सुनाना चाहता है तो हम चौखट के सामने पहुंचकर आप सभी के भाव एक एक करके सुनेंगे। और आप सभी से ही बस यही अनुरोध है हमारा कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ दो दो मिनट के लिए अपने भाव सुनाएं, ताकि दीपावली के अवसर पर सभी भक्तों को श्री जी की चौखट से अपने भाव सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आज श्री जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। आज की एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि आज श्री जी ने फूलों की चंद्रिका लगा रखी है और ठाकुर जी ने एक फूलों का मुकुट पहन रखा है। सभी को राधे राधे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल बिजते तराम। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, श्रृंगार आरती में बहुत आनंद आया आज। और आज जो भक्तों की भी भीड़ थी, मंदिर भरा हुआ था, उसके बाद हमने श्री जी की चौखट पर एक पूजा होती है। मैं आपको एक क्लियर करता हूँ कि जब श्रृंगार आरती हो जाती है तो उसके बाद जो चंदन सेवा होती है, जो चिन्नामृत सेवा जो होती है, पंचामृत जो होता है, वह श्रृंगार आरती के बाद में चौखट पर लगाया जाता है। चौखट पर एक स्वास्थ्य सातिया काढ़ा जाता है और पंचामृत से भोग लगाकर श्री जी के महल से श्रृंगार आरती के बाद शुरुआत होती है। तो आज दिवाली की शुरुआत भी ऐसे ही हुई और आप एक बार देख सकते हैं श्री जी के महल में भक्तों की भीड़ चल रही है, मंदिर भी भरा हुआ है, क्योंकि दिवाली वैसे तो सभी भक्त अपने घर से करते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों का मानना है कि दिवाली की शुरुआत साक्षात श्री जी के दर्शन से होती है, तो उसका आनंद ही कुछ और है। और हमारे गुंजन भैया तो कई वर्षों से, हमारे वृंदावन के गोसाई बिहारी जी के लाडले गुंजन भैया तो कई वर्षों से दिवाली के दिन श्री जी के दर्शन करके अपनी शुरुआत करते हैं। आज उनके साथ नितिन भैया भी शामिल हुए, उन दोनों ने श्री जी की श्रृंगार आरती का आनंद लिया, उसके बाद फिर चौखट पर मत्था टेका। लेकिन मैं एक ही बात कहूं कि अगर
दिवाली के दिन सबसे पहले अपने भी अगर आसपास के मंदिर हैं वहाँ जरूर मत्था टेकिए और शुरुआत कीजिए। और हमारी श्री राधा रानी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, सभी देवी देवताओं का वास है हमारी श्री राधा रानी में। हमारी श्री राधा रानी में सभी देवी देवताओं का, करोड़ों देवी देवताओं का वास हमारी श्री जी में है। तो आज तो साक्षात लक्ष्मी की पूजा होती है, तो हम सभी भक्त भी श्री जी को लक्ष्मी के रूप में मानकर श्री जी की दर्शन करते हैं। हम हर दिवाली आज शाम को भी हमारे सभी बरसाना के जो ब्रजवासी हैं वो दीपक जलाते हैं श्री जी के महल से और आनंद लेते हैं श्री जी के महल का। तो हम भी शाम को पूरे परिवार की तरफ से चौखट पर दीप जलाएंगे और शाम को चौखट पर फूलों के साथ हम एक छोटी सी पूजा रखेंगे। तो आप भी हमारे साथ शाम को जुड़े रहिएगा और बहुत आनंद लेते रहिए हमारे लाइव में। और दिवाली पर अभी कल भी दिवाली मनाई गई श्री जी के महल में, परसों भी चकई फुलझड़ी ये सब जलाए गए, पुजारी जीयों ने बहुत आनंद लिया। और देख सकते हैं आप भक्तों की जितनी भीड़ है, आप सभी एक बार नज़ारे का आनंद लीजिए। और मैं एक आपको एक बार सखियों का दर्शन करा देता हूँ और फिर हम अंदर की ओर चलेंगे। श्री जी की चौखट पर ये हमारी ललिता सखी हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं और हमेशा श्री जी के साथ रहती हैं। और एक बार आप यहाँ भी दर्शन कीजिए, मेरी राधा रानी परिवार पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनी रहे श्री राधा रानी की। और हम बस यही कामना करते हैं कि राधा रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और ऐसे ही आपकी भक्ति बनी रहे श्री जी के चरणों में, क्योंकि जब तक श्री जी से परमिशन नहीं मिलेगी आपको तब तक आपका भक्ति में तो मन लग ही नहीं सकता। इसलिए हर दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के साथ कीजिए और छोड़ दीजिए श्री जी के ऊपर। श्री जी से अगर एक बार लगन लग गई तो खुद ब खुद बिहारी जी भी आपके पास आ जाएंगे। अगर बिहारी जी को पाना है ना तो श्री जी को मनाना पड़ेगा, श्री जी की भक्ति पानी पड़ेगी। और श्री जी की भक्ति सहज नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि श्री जी की भक्ति सहज नहीं है। श्री जी की भक्ति के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। श्री जी तो सहज है, वो तो विश्वान की किशोरी है, भोरी है, लेकिन श्री जी की भक्ति बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से श्री जी की भक्ति मिलती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो सब आप ही को पता है कि श्री जी के जब एक बार दर्शन होते हैं तो उसके बाद जब दोबारा दर्शन के लिए बरसाना आने के लिए तड़पना पड़ता है, बरसाना आने के लिए हमें तड़पना पड़ता है श्री राधा रानी कब हमें बरसाना बुलाएंगे। और बिहारी जी के एक बार अगर आप चले गए दर्शन के लिए तो अगला जो आपका जो जाने का जो टर्न होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कब मैं बिहारी जी पहुंच गया।
तो देखिए श्री जी के पास एक बार तो आ जाओगे, लेकिन जब दोबारा से हो, जब तुम्हारा से जब कृपा होगी ना, बहुत मुश्किल से होगी। उसके लिए आपको दिल से श्री जी की भक्ति करनी होगी, दिल से श्री जी को रिझाना होगा आपको। देखिए एक बार आप जो है यहाँ भी काम देने से बहुत आता है, वहाँ दर्शन कीजिए मंदिर में, क्योंकि मास्क अनिवार्य है, सभी अपना मास्क लगाएं, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो यहाँ डिस्टेंस भी काफ़ी है। ये मास्क लगा के रहे सभी यात्री, ये जो भीड़ लगी है तुलसी माता की जो है अपने मास्क लगा के रखें। दर्शन कीजिए आप मंदिर में तुलसी माता गौ माता, आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। वीडियो कॉल फोटोग्राफी सेल्फी लेना सब तो मना है नहीं, मोबाइल कैमरा जमा हो जाएगा। यहाँ का तो हर कण कण, यहाँ का तो हर जीव के ऊपर इतनी कृपा है, यहाँ तो महल में मंदिर के अंदर भीड़ नहीं लगा जाता, कबूतर ये सब देखिए, ये जो कबूतर है होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन यही इतना स्पेशल क्यों है जो श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। और एक तो सत्य में आपको एक बात बताऊं कि एक जोड़ा था, एक कबूतर डेली जब सिंगा मंगला आरती होती थी उसके बाद तकरीबन 6 बजे वह श्री जी के गर्भगृह में जाता था, और श्री जी के गर्भगृह के जस्ट ऊपर की ओर एक आला है, वहाँ जाके बैठ जाया करता था। और जब श्री राधा रानी का राजभोग का समय होता था तो वह कबूतर चुपचाप वहाँ से निकलकर बाहर की ओर आता था। तो आप समझ सकते हैं, जीव तो बहुत हैं, जीव जंतु तो बहुत हैं, लेकिन उनमें भी बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे कि प्राणी तो बहुत हैं, मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन उनमें भी आप स्पेशल हो जो श्री जी के लाइव दर्शन, श्री जी के महल के दर्शन कर रहे हो, आपको श्री जी बरसाना बुलाती है। उसी तरह पक्षियों में भी जंतुओं में भी, हमारे यहाँ बिल्ली श्री जी के महल में घूमती हैं, तो वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे भक्ति में भक्त भाग्यशाली होते हैं, उसी तरह जीव जंतुओं में भी जंतु भी वो भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री जी के महल में स्थान मिला, श्री जी के महल में उन्हें घूमने के लिए श्री जी का प्रांगण मिला, श्री जी के महल का दर्शन हुआ, श्री जी के भी दर्शन होते हैं उन्हें। तो बस देखिए, और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब भी सभी भक्त जब दीपक जलाएं, तो दीपक तो आप वैसे तो अपने ठाकुर जी के सामने घी का दीपक जलाते ही हैं, तो उसमें अगर आपके पास सरसों जो होती है, अगर सरसों का अगर सरसों के जो बीज होते हैं, जो सरसों जो आती है पीली वाली, उसकी अगर उस घी में बीज अगर डालोगे तो साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आप जो भी दीपक जलाएं लक्ष्मी जी के आगे, और अपने घर में जो एक पवित्र दीपक जो आप जलाते हैं उसमें ज़रूर उस घी में सरसों डालिएगा, साक्षात लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और अपने घर में दिवाली के दिन खूब आनंद लीजिएगा, और देखिए भक्त धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भीड़। दोपहर के टाइम जैसे ही टाइम चलता रहेगा उसी तरह भीड़ भी आती रहेगी श्री जी के महल में। और चलिए अब हम चलते हैं श्री जी की चौखट पर, वहाँ एक एक करके भक्तों के भाव सुनेंगे। सभी लाइव को शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि राधे राधे अगर बोलते रहोगे तो साक्षात बिहारी जी आपसे मिलने के लिए आएंगे, बिहारी जी आपको दर्शन देंगे, श्री जी के साथ में युगल छवि का भी आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।
तो चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं। श्री राधिका के गुणगान, ओ श्री राधिका के श्री जी के चरण कमल करो, श्री जी के चरण कमल को ध्यान करो। चलिए हम आ चुके हैं श्री जी के महल में। एक प्यारी सी छवि के आप दर्शन कीजिए, यह मनमोहक छवि सच में मन को मोह लेती है, क्योंकि इस छवि में प्रिया प्रीतम का वो प्यार दिखता है जिसमें एक दूसरे को वो प्यारी सी मुस्कान के साथ पान बीड़े का भोग लगा रहे हैं। और इस तरफ हमारी ललिता सखी टोकरी में पान लिए श्री जी के लिए पान दे रहे हैं, और हमारे जो फूल वाले बाबा हैं, जो फूल वाले बाबा वो भी आ चुके हैं, जिन्होंने अभी फूल की सेवा की। यहाँ अभी यह भोग लगाएंगे दूध का और पेड़े का, क्योंकि ये पेड़े का भोग लगाते हैं। राधे राधे, इनको भी जय जय श्री राधे कहिएगा एक बार। और ये श्री जी का एक बहुत ही प्यारा पेंटिंग है जिसमें महारानी सिंहासन पर बैठी है। राजत कुंज महल ठकुरायन, राजत कुंज महल ठकुरायन, जहाँ ठकुरायन राज कर रही हैं, बैठी है सिंहासन पर। ऐसी ऐसी पेंटिंग के यहाँ साक्षात दर्शन होते हैं, छवि के दर्शन होते हैं। और ये भी देखिए, ये एक पेंटिंग है श्री जी की सखियों के दर्शन। जब तक सखियों की कृपा अगर आप पर नहीं होगी, तब तक आपको श्री जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। श्री जी तक पहुंचने से पहले सखियों के दर्शन भी बहुत जरूरी है। और ये एक और सुंदर छवि आप देखिए, और फिर हम आपको ले चलते हैं श्री जी की चौखट पर, श्री राधारानी की चौखट। देखिए धीरे धीरे यह सफाई हो रही है। तो आप अपने दिन की शुरुआत, दीपावली की शुरुआत श्री जी की चौखट से अपनी हाजिरी लगाकर पूरी कीजिए। और श्री जी से अरदास कीजिए कि हे राधा रानी, हम सभी भक्तों पर ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे, और हम हर दिन की शुरुआत आपके निज महल से करते रहें। श्री राधिका के गुण गाइए, ये साक्षात श्री जी के चरण है। श्री जी के चरणों कमलों को ध्यान करो, श्री जी के चरणों कमलों को ध्यान करो। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। तो अब हम एक एक करके भक्तों को जोड़ेंगे, और भक्त अपने भाव दो मिनट तक अपने भाव श्री जी के समक्ष रखेंगे। साक्षात श्री जी की चौखट को, श्री जी की चरण चिन्हों को साक्षी मानकर वो अपने सुंदर सुंदर भाव दीपावली के उत्सव पर श्री जी को सुनाएंगे। हमने तो अपने भाव सुना दिए हैं, श्री जी के चरण कमल को ध्यान कर नैनन नीर बहाइए, और श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। इन्हीं के नित्य धाम बरसाना, इन्हीं के नित्य धाम बरसाना,
देखिए ये बहुत सुंदर भजन है, देवी चित्रलेखा जी ने इस भजन को गाया है, बहुत सुंदर भाव इस भजन में व्यक्त किए हैं। ये रहो बढ़िया गाना। श्री राधिका के गुण गाइए। तो चलिए अब हम भक्तों के साथ जुड़ते हैं। और हमारे साथ राधे 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 भैया जी, राधे राधे श्री लाडली लाल विजेते तराम। राधे कौन से पुण्य की ये तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य की ये तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। जब तू तैयार की हरी मांग के खाते हैं। राधे कौन से पुण्य की ये तूने, हरी रोज तेरे दर आते हैं। राधे जब तू सोला सिंगार की हरि दर पर आने खाते हैं। राधे कौन से पुण्य की तूने, हरी तेरे दर पे आती है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भैया जी, जय जय श्री राधे भैया जी। आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली राधा रानी को भी, आपके पूरे परिवार को भी, आपने दर्शन कराया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए अब हम और भी भक्त हैं उनको जोड़ते हैं अपने लाइव में, और बस यही कामना करते हैं कि आप सभी एक ही बात कहिए, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे श्याम। राधे श्याम। बोलो लाडली लाल की जय। सबसे पहले तो भैया दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी भक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका आशीर्वाद बस बना रहे मुझ पे, आपका भी, भैया का भी, श्री जी का भी, और जितने भक्त हैं। तो एक छोटा सा भाव श्री जी के चरणों में। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरी श्यामा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं,
और करुणा की चाहता हूँ मैं, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं। कौर करुणा की चाहता हूँ मैं, दूर करना नब तो हरी, दूर करना मुझे ना लाडली। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले लाडली लाल की जय। यहो लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। यस।